अशोक गहलोत के एक साल पर। नमस्कार, डीजी समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। चलती कार बनी आग का गोला, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, कार सवार युवकों ने कूद कर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने पाया आग पर काबू। कस्बा बछरायु से मेरठ जा रहे थे कार सवार, थाना गजरोला के अल्लीपुर चोपला चौकी का है मामला। प्रेमनगर थाने सड़क के किनारे मिला शव, क्षेत्र में मचा हड़कंप। आपको बता दें कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र के महाराज सिंह नगर पुलिया के पास सड़क किनारे बाइक और युवक की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक की पहचान सिपरी बाजार क्षेत्र के ग्राम अंबाबाई निवासी के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि देवराज शिवम बाइक से किसी समारोह में जा रहा था, जैसे ही वह प्रेमनगर थाना क्षेत्र में महाराजगंज नगर शनिदेव मंदिर के पास सड़क किनारे लगे खंभे से जा टकराया, वह जमीन पर गिर गया। झांसी के गड़वई में ग्राम चौपाल के आयोजन में प्रधान और सचिव का तूतू मैमे में का वीडियो वायरल हो गया है। सचिव की मनमानी से नाराज ग्रामीणों ने चौपाल में सचिव के खिलाफ खोला मोर्चा। प्रधान और ग्रामीणों का आरोप, सचिव के मनमाने रवैये से आवास सहित अन्य योजनाओं का नहीं मिल रहा है लाभ। वीडियो की मौजूदगी में हो रहा है चौपाल का आयोजन। गोराठा तहसील क्षेत्र के ग्राम गड़वई का है बांदा। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का खेत में मिला है शव। महिला का गला दबाकर की गई है निर्मम हत्या। कल शाम से लापता थी महिला। अपने घर से स्थानीय लोगों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं डॉग स्क्वाड व फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद, घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। घटना के बाद परिजनों में मचा कोहरा। मामला तिंदवारी थाना क्षेत्र के बछोरा का है। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम द्वारा जनपद में कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत भारी पुलिस बल के साथ थाना कोतवाली क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य चौराहा, बाजार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गश्त करते हुए लोगों से संवाद कर उनकी समस्याओं को सुना गया और सुरक्षा का एहसास दिलाया गया। SP द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली औरैया को कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जो पैदल गश्त किया गया उसका उद्देश्य क्या क्या कहना चाहेंगे आप? ये डेली का रहता है शाम को पैदल गश्त का, और अभी यहाँ क्योंकि हमारा एक माइक मेला लगा हुआ है तो उसमें सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए और समीक्षा करने के लिए आज यहाँ पर भी गश्त की गई बाकी मार्केट में। खबर यूपी के बलिया से आ रही है, जहां फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत खोड़ी पाकड़ गांव में स्थित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर में बीते वर्ष नवंबर 2022 मध्यरात्रि में बहुत कीमती अष्ट धातु की मूर्ति चोर चुरा ले गए थे। थाने पर मंदिर के पुजारी और गांव के लोगों ने शिकायत की। तत्काल प्रभाव से फेफना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। कुछ महीने बाद फेफना थाना ने उस समय के प्रभारी का फेफना थाने से ट्रांसफर हो गया। इसी बीच नए प्रभारी के रूप में पहुंचे इंस्पेक्टर राकेश रोहन सिंह ने इस चोरी के मामले की कमान संभाली और दिन रात एक कर इस मामले में लगातार फेफना थाना प्रभारी राकेश रोहन सिंह डबल शॉट जांच पड़ताल में जुटे हुए थे। जनपद बलिया में वर्ष 2022 में जितनी भी चोरी की घटनाएं हुई थी सबके लिए हमने एक विशेष अभियान चला करके जनवरी महीने में विशेष सभी थानों में टीमों का गठन किया गया था, जिनको ये टास्किंग दी गई थी कि पिछले वर्ष की जितनी भी चोरी की ऐसी घटनाएं हैं जिनका अभी तक अनावरण नहीं हो पाया उन पर एक विशेष टीम लगाई जाए जिनका कार्य केवल उन्हीं घटनाओं पर काम करने का होगा। इस क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रों में हमारी विभिन्न टीम्स एक्टिव थी। आप लोगों को बताने में खुशी है मुझे कि हमने सिर्फ जनवरी के महीने में 21 चोरों को गिरफ्तार किया है। लगभग 23 हमने चोरी की बाइकें बरामद की हैं जो वर्ष 2022 की घटनाओं से जुड़ी हैं, और अन्य कई घरों में जो चोरी हुई थी उससे जुड़ा सामान बरामद किया है। इसी क्रम में जो टीम्स हमारी काम कर रही थी, इसी क्रम में जो फेफना थाने की हमारी टीम थी उसको कामयाबी हासिल हुई है। गत वर्ष 19-20 नवंबर की मध्य रात्रि में शिवजी शिवाला मंदिर खोरी पाकड़ से अज्ञात चोर के द्वारा कुछ मूर्तियाँ, आसन, जो मूर्ति होते हैं उनके मुकुट, कुछ कपड़ा वगैरह चोरी किया गया था। इसके क्रम में थाना
फेफना पे 295/2022 मुकदमा पंजीकृत किया गया था संगत धाराओं में, और अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार हमारी जो खोज चल रही थी उसमें थाना फेफना पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है और इस मामले का अभियुक्त करण वर्मा पकड़ा गया है और उसकी निशानदेही पर चोरी की गई विभिन्न जो भी मूर्तियां थी और विभिन्न अन्य मंदिर से जो भी चोरी किया गया सामान था वह सभी सामान बरामद कर लिया गया है। जैसा कि आपके सामने है इसमें अब तक कुल 8 मूर्तियां बरामद की जा चुकी हैं, 5 आसन बरामद किए जा चुके हैं, 3 मुकुट बरामद किए जा चुके हैं और जो मंदिर से अन्य सामान चोर के द्वारा चोरी किया गया था वह सब पकड़ा जा चुका है। यह घटना हमारे लिए चैलेंज थी क्योंकि रात्रि के समय जब घटना हुई थी उस समय मंदिर के पुजारी जी मंदिर में ही थे लेकिन उन्होंने किसी को देखा नहीं था और इसके अलावा भी कोई और व्यक्ति नहीं था जो कि इसके बारे में हमको बता पाए। सीसीटीवी फुटेज से केवल हमको एक व्यक्ति की पीठ दिख रही थी जो कि सामान को लेकर के जा रहा था लेकिन उसके चेहरे के बारे में कोई जानकारी नहीं हो रही थी। तो साक्ष्य संकलन कर विभिन्न सूत्रों से विभिन्न वीरों से जानकारी प्राप्त करने के बाद ये टीम को जो सफलता हासिल हुई है और लगभग सभी सामान जो है इन्होंने बरामद कर लिया है। जो चोर है वो कोई भी सामान, क्योंकि पुलिस लगातार एक्टिव थी क्षेत्र में, जितने भी हमारे लोग थे वो एक्टिव थे, ऐसे लोगों को खोजा जा रहा था जो कि कोई भी मंदिर से जुड़ा सामान बेचना चाह रहे हो, इस वजह से चोर को अब तक ऐसा मौका नहीं मिला था। और जैसे ही हमको लापरवाह सूचना प्राप्त हुई हमने चोर को पकड़ के सामान रिकवर किया। अक्सर देखा जाता है कि मूर्तियों वाले के जो चोर हैं इनके नेटवर्क काफी। थाना जगदीशपुर क्षेत्र के अंतर्गत कलवारी चौराहे के नजदीक सरसों खेत में मिला युवक का शव। सरसों के खेत में युवक को ले जाकर की गई धारदार हथियार से हत्या। मृतक युवक के हाथ पर नरेंद्र नाम गुदा हुआ है। सुबह तड़के राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस क्षेत्र में आए दिन खेतों में बैठकर खुलेआम की जाती है शराब और कलवारी चौराहे पर सुबह से ही शराब की दुकानों के समीप छोटी छोटी दुकान पर शराबियों का लग जाता है जमावड़ा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा है कि विधानसभा सदस्यों ने कहा कि जनता का काम करने से ही हमारा सम्मान होगा। आवास समिति से संबंधित मामलों में समिति के अधिकारियों से लंबित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराएं, जिससे कि समिति द्वारा उस पर विचार कर सरकार को संबंधित प्रकरण से अवगत कराया जा सके। आज विधान भवन में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उद्घाटन बैठक के दौरान समितियों के सदस्य को मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित किया। सीधा लिए चलते हैं लखनऊ, जहां ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ड्रोन शो का आयोजन किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए से यूपी सरकार का विजन दिखाया जा रहा है। राम मंदिर समेत और कई धार्मिक स्थलों को दर्शाया गया। तकरीबन 600 ड्रोन से यूपी के विकास की गाथा का प्रदर्शन करेंगे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में देर रात देविका गोल्ड होम्स सोसाइटी निवासियों ने सोसाइटी परिसर में अव्यवस्था, सुविधाओं की भारी कमी और सुरक्षा व्यवस्था में कोतहाली से नाराज होकर लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। प्रदर्शन में महिलाओं और बच्चों ने लिया हिस्सा। देविका गोल्ड होम्स भवन परिसर में अग्निशमन यंत्रों की कमी, अपर्याप्त सीसीटीवी कैमरे और उचित निगरानी व्यवस्था के चलते लोगों की जान खतरे में है। आज देविका गोल्ड होम में यहाँ के निवासियों ने यहाँ की समस्याओं से तंग आकर के एक मिनट का कैंडल जला करके सभी समस्याओं को से अवगत कराने के लिए बिल्डर को सद्बुद्धि दे भगवान ऐसी प्रार्थना करने के लिए आज मौन रखा सभी निवासियों ने। और यहाँ की जो मुख्य समस्याएं हैं, सभी लोगों ने पोस्टर लिया था हाथ में कि सुनने वाला यहाँ कोई कब होगा, पेंट कब होगा, ड्रेन कवर कब होगा, पार्किंग की व्यवस्था कब होगी, रजिस्ट्री कब होगी, पर्याप्त गार्ड यहाँ पर कब होंगे, सुरक्षा कब मिलेगी, पर्याप्त सीसीटीवी कब होंगे, क्लब हाउस कब होगा, कोई सुनने वाला यहाँ कब होगा, क्योंकि यहाँ कोई सुनता नहीं है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ के निवासियों ने रात को एक कैंडल जला करके बिल्डर को सद्बुद्धि मिले इस भाव से मौन रह करके एक संदेश देने का प्रयास बिल्डर और अथॉरिटी को किया है। उम्मीद है कि इससे बिल्डर शायद मौन की भाषा बिल्डर समझे। आप लोगों ने आज क्यों किया यहाँ पर ये प्रदर्शन? सर यहाँ कोई जवाबदेही नहीं है बिल्डर की, स्ट्राइक पे चले जाते हैं गार्ड, सिक्योरिटी राम भरोसे, कोई देखने वाला नहीं है, हाउसकीपिंग भी गायब रहती है, बहुत बुरा हाल हो गया है सर जी। आप कुछ यहाँ पे महिलाएं और बच्चे भी आए हैं, आप बेटा यहाँ पे किस लिए आए हो, क्या समस्या आपको महसूस होती है? मुझे ये समस्या होती है कि यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, यहाँ पर कोई भी कभी कुछ भी हो सकता है। असुरक्षित महसूस करते हो? नहीं। आप क्या यहाँ पर, आप किस लिए आई हैं? यहाँ कभी भी कैसे भी गेट से एंट्री हो जाती है, गार्ड की समस्या है, कई बार ऐसा होता है प्लम्बर स्ट्राइक पे, गार्ड स्ट्राइक पे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कोई सुनने वाला नहीं है जी। आप पीछे खड़े हैं, आपकी क्या समस्या है यहाँ पर, क्या महसूस हो रहा है? समस्या है, रजिस्ट्री नहीं हो रही है,
तीन साल हो गया रहते हुए जी, आज तक बिल्डर की तरफ से कोई एक इन्फॉर्मेशन नहीं, तो पोजीशन लेटर तक इशू नहीं हुआ और बेसिक एमिनिटीज तो बिल्कुल ही नहीं है, जीरो है जी, कोई सुरक्षा नहीं है। आप बताएं, तीन सालों से यहाँ बिल्डर सिर्फ सो रहा है, एक काम नहीं किया उसने, हमारे हार्ड अर्न मनी को बस ऐसे ही लूटने का काम किया है जी। तो ये था आज सभी लोगों ने मौन रह करके एक अथॉरिटी और बिल्डर को संदेश देने का प्रयास किया है, और उम्मीद है कि शायद इससे बिल्डर की जो है वो आवाज़ देने से तो नहीं सुन रहे हैं, शायद मौन रहने से उनको सुनाई पड़े कि यहाँ के निवासी कितने परेशान हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी समाचार, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। गहलोत की एक साल प्रदेश का हाल क्या?